स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत की ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात और उसके बाद सियासत में वाल। कांग्रेस मुलाकात को लेकर संघ और बीजेपी पर हमलावर है, तो चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली की मस्जिद में क्या गए, पूरे देश की सियासत में जैसे उबाल आ गया, सवाल खड़े होने लगे, क्या ये पर्दे के पीछे 2024 के लिए नए समीकरण की जमावट है। संघ प्रमुख की ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात हुई। हालांकि संघ प्रमुख समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, लिहाजा संघ ने इस मुलाकात को ठीक वैसे ही बताया, मगर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हुआ। हालांकि बीजेपी इस मुलाकात के बाद वसुदेव कुटुंबकम वाली बात कहती नजर आ रही है। बहुत स्पष्ट सोच है शुरू से ही है, और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं, हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है। ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं, जो रहीम कहते थे कि धूर लेत सर पे धरें कहो रहीम के ही काज, जही रज मुन पुतनी तजी ते ही ढूंढें गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुष हो तो वही रसखान बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, और इसलिए श्रद्धेय का माननी का जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है और नीचे तक बहुत अच्छा विषय गया। हालांकि चीफ इमाम और संघ प्रमुख की मुलाकात को कांग्रेस घबराहट बता रही है। दलील है राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है, लिहाजा मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। तो ये बात समझ लीजिए कि कितने दबाव में कर रहे हैं। हम उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है, जिसका पंजीयन नहीं है, सदस्यता नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, उसके प्रमुख को हम क्यों माने। जी हमारे मन में एक बात है, जब तक उनके स्वयंसेवक संघ इसको नीचे तक नहीं ले जाएंगे, तब तक उनके बारे में हमको उनके ऊपर कोई भरोसा हमारा नहीं। हास्यास्पद किसने दी, वो देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, देने वाला कौन है। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आरएसएस के लोग हमारे मुसलमान भाइयों को अपना उनका विश्वास प्राप्त करें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। यदि इस देश में मुसलमानों में यदि इस प्रकार की बात भावना अगर वो पैदा कर दें कि वे इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में भी सुरक्षित हैं, हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुलाकात को लेकर सवाल कई हैं। क्या संघ और बीजेपी को विपक्ष में एकता की कवायद के बाद 2024 में रहा मुश्किल नजर आ रही है? क्या संघ और बीजेपी को विपक्ष में एका की कवायद के बाद 2024 में राह मुश्किल नजर आ रही हैं? क्या मुलाकात के जरिए मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कवायद है, और क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में खलबली मची है, या फिर महज ये सौजन्य मुलाकात मानी जाए। जो भी हो, मगर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। तो सियासत गर्म है और इसी पर हम चर्चा करते हैं। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अभय प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, स्वागत है अभय जी आपका। और राजेश सिरोठिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ पंकज शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत करते हैं। राजेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा जी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल जरूर हुई है सर। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, बीजेपी जो है बहुत समय से आरएसएस और बीजेपी इस बात पे काम कर रहे हैं कि जो मॉडरेट टाइप के मुस्लिम्स हैं, हाँ, जो फेनेटिक नहीं है, ठीक है, उनको बीजेपी के साथ जोड़ने की मुहिम अभी से नहीं, पहले से चल रही है। और ये तो अभी जो भी इनकी मुलाकात हुई है तो इस चीज को गरमाना स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी ने जो ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा उठाया तो क्या हुआ कि मुसलमानों की आधी आबादी को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए किया। क्योंकि आप जो है इस भारतीय समाज में जिस तरह से भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का जो वो स्तर है, वहाँ आप किसी एक समाज विशेष को अलग तो नहीं करके रख सकते, अलग करके नहीं चल सकते। हाँ, आप ये जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनमें से कौन शरारती है, कौन आतंकी है, उनको आप डिस्टिंग्विश करिए। और उसको सभी मुसलमान आतंकवादी ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो स्वागत योग्य। बीजेपी पर ये आरोप लगता है, हमेशा संघ पर आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली पार्टी है। तो अगर वो हिंदू मुसलमानों के बीच में सद्भाव बढ़ाने का कोई काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सराहनीय है, इसको तारीफ होना चाहिए। अभय जी, तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अगर मुलाकात हुई है सर, तो उसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजेश जी निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि कोई गलत काम नहीं किया है भागवत जी ने, लेकिन उसको लेकर ये हो हल्ला क्यों हो रहा है सर? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो कांग्रेस ही हमारे वरिष्ठ नेतागणों के आपके चैनल पर भी हमने जो बयान सुने हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि कहावत है कि गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। हिंदुस्तान की खूबसूरती, ये इशारा क्या है सर? अबे जी, इशारा क्या है? इशारा ये है कि जब भी इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि 70 साल से ये बांटने का काम यहाँ क्रम यहाँ चलता रहा है, ठीक है। अब यह है जोड़ने वाले लोग, जब जोड़ने वाली ताकत जब आती है तो ये तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय हो जाती है, ठीक है। जबकि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करना गलत है, हिंदुस्तान अच्छा, की खूबसूरती है इसकी, गंगा तहजीब, अनेकता में एकता और आपकी भाईचारा में। इस खूबसूरती को खत्म करने में कुछ लोग तो रहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो आज परम पूज्य मोहन भागवत जी ने प्रस्तुत की है, जो उम्मीद जगाती है और जिन्हें देखकर ये लगता है कि जो तारा इस देश में आपकी भाईचारे का है वो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। और उनकी ये पहली मुलाकात नहीं है, 22 अगस्त मुंबई में मिले थे, बुद्धिजीवियों से भी वो मिले थे। ये सारी चीजें जो है तो हिंदुस्तान की इसी मजबूती को कमजोर करने की कोशिश जो हरदम रही है उसको ताकत दी है कि हिंदू मुस्लिम वो हरदम कहते आए हैं कि अगर हिंदुस्तान में है और हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान दोनों का है, लेकिन उनका विरोध जो भी कांग्रेस उनका वो करती है वो केवल उनका उन आक्रमताओं के खिलाफ रहा है जी, जो आतंकवाद या इस तरह की मानसिकता के रहे। बाकी हिंदू मुस्लिम को लेकर उन्होंने कभी जो है मुर्तबाद के बयान नहीं दिए। शर्मा जी देखिए, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर, क्योंकि अगर पहल की गई है निश्चित तौर पर, भारत का इतिहास रहा है, गंगा जमनी तहजीब रही है पूरे देश की, और ऐसे में इस वक्त अगर मुलाकात मोहन भागवत करते हैं उसको लेकर आपत्ति कुछ नहीं होगी। बिल्कुल दिग्विजय जी खुद यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन कई सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। शर्मा जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिथक पर आधारित बातें की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आज किस तरह से, जिस लहजे से आपके स्टूडियो से बोल रहा है, तो मैं खुद की बंगले झाग रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि वो पूरी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पे बात कर रहा है। महात्मा गांधी जी के समय से लेकर के धार्मिक सहिष्णुता के मुद्दे पर शुरू से कांग्रेस काम करती आई। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, हिंदुत्व के मुद्दे पर बाइफर्केशन लाया, हिंदू
हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बातें इन्होंने कई मंचों से करी। इनके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी स्वयं कई जगह हिंदू राष्ट्र की बात कर चुके हैं। अभी 3 महीने पहले इन्होंने एक शिविर में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करी थी। तो हिंदू राष्ट्र की कौन सी कल्पना की बात करते हैं? हम तो शुरू से कहते आए हैं कि धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित यह राष्ट्र है। यहाँ की जो माँ भारती है वो अपने सभी बच्चों को उसी प्रकार से स्नेह करती है, फिर वो बच्चा चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो, अगर वो रहने वाला भारतीय भूमि का है तो उस भूमि पर रहने वाले हर बच्चे के प्रति उसका स्नेह है। और हिंदुत्व के लिए एक बात करने से पहले इनको ये सोचना चाहिए कि भारत एक धार्मिक सहिष्णु राष्ट्र रहा है। इसकी आजादी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने पूरी ताकत से अपने प्राणों की आहुति दी। इस बात का तो स्वागत दिग्विजय सिंह जी भी कर रहे हैं सर, जो पहल की है बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं ना जी। पहल की बात नहीं, आज जब देश में धर्मांधता का इतना जहर घुल चुका है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दैनिक रूप से व्यक्ति के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही है। इनकी खुद की सोशल मीडिया के जो प्रमुख हैं, इनके आईटी सेल जो चलाते हैं, वो खुद कंटिन्यूअसली इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके की बातें करके विरोध पैदा करने का प्रयास करते हैं। आज वो खुद धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो ये कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह महसूस होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भविष्य में इनकी अपनी हार की बौखलाहट दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा में अदम्य समर्थन राहुल जी मिल रहा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी लोग एक रूप का आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, मैं हाँ राजेश जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हमने जो रिपोर्ट दिखाई दर्शकों को उसमें भी किया था, लेकिन क्या वाकई में संबंध इसका है? क्योंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, क्या वाकई में उससे मतलब वाकई में उसको रिस्पॉन्स मिला और उससे प्रभावित होकर ये जो घटनाक्रम घटा है, घटनाक्रम नहीं कह सकते लेकिन वाकई में बहुत अच्छी पहल है सर, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? देखिए, वो जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मुस्लिम जोड़ो यात्रा तो है नहीं। हाँ ठीक है जी, वो तो कांग्रेस को जोड़ने की भी यात्रा कर रहे हो। ठीक है, भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ने की यात्रा। कांग्रेस का जो कनेक्ट खत्म हो गया था पब्लिक से, वो कोई भी नेता तभी पैदा कर सकता है। ठीक है, जमीन पर चले तो राहुल गांधी चल रहे हैं, और केरल में तो उनका जो भारत जोड़ो की मुहिम है वो आज की सफलता पूर्वक चल रही है। ठीक है, और केरल में कांग्रेस का वजूद भी है अच्छा जी, और केरल में कांग्रेस मैंने लेफ्ट की है या कांग्रेस का गठबंधन है या लेफ्ट का गठबंधन है, तो वहाँ एक तरह का गठबंधन, द्विपक्षीय गठबंधन है, पार्टी चलती है, तो वो कांग्रेस को मिल रहा है। अब असली परीक्षा तब होगी राहुल गांधी की, छत्तीसगढ़ देना था, तो वो वैसी कुछ रूट प्लानिंग नहीं, किसने की है, किसने की, क्या अभी तो सक्सेसफुल है, जो उसकी शुरुआत है, इनिशियल अच्छा है। हाँ, अबे जी, इससे डर के कोई संघर्ष के लोग आगे वो मुसलमानों से मिलने लगे ऐसा नहीं है। कांग्रेस की खींच इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मान के चला है उन राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस दूसरी पार्टी के रूप में मौजूद है बीजेपी। जहाँ जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश है, वहाँ उनके पास में दूसरे विकल्प मिल गए मुसलमानों को, तो उन्हें कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, जैसे केरला है आपका, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, आपका पंजाब है, तो इन सी राज्यों में शर्मा जी तो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की शुरू होती है और उसको उसके बाद में ऐसी कवायद क्यों शुरू होती है? सर मोहन भागवत जी बिल्कुल मुलाकात करते हैं और ये तो गंगा जमुनी तहजीब है सर, और निश्चित तौर पर पूरे देश की, भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, सभी धर्मों के लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में मुलाकात करना ये क्या मायने रखता है सर, भारत जोड़ यात्रा के बाद ये कवायद शुरू होना?
कांग्रेसी मित्र से कह दूं कि वो इससे घबराए नहीं। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि जब जोड़ने वाले ताकत से लड़ेंगे तो बांटने वाले कमजोर होंगे, इसकी भाषा कमजोरियां दिखाने लगी। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, क्या है कि इनका जो डर्टी पॉलिटिक्स का तरीका है, ये पड़े पड़ाए बयान देते हैं। ये जुलाई में भी आपने अगर माननीय पूज्य मोहन भागवत जी का बयान पढ़ा हो कि अगर हिंदू कहता है कि किसी मुस्लिम का यहाँ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उन्होंने कभी मुसलमानों का विरोध नहीं किया, नहीं किया, ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल, बंटवारा करती रही। और आज इससे भारत जोड़ो से कोई लेना देना ही नहीं है, या कांग्रेस में तोड़ ले, इनके सारे नेता तो दिल्ली भग गए अध्यक्ष, नहीं, लेकिन वक्त ऐसा था ना सर, इसलिए सवाल उठ रहे हैं, वक्त हुई था। अगस्त में वो पहले मिले बुद्धिजीवियों का, उनका वहाँ मिले, अभी उनका उनके निमंत्रण पर गए वो, और वहाँ बच्चों के मदरसे में उन्हें जय हिंद के नारे लगाए, उनने उन्हें राष्ट्रपिता कहा, तो उन्होंने तो कहा कि राष्ट्रपिता एक है, हम सब भारत की संतान है, बिल्कुल, इस तरह से परम पूज्य ने कहा, तो ये एक आपसी भाईचारे का संदेश है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर दूसरी दिशा में आप इनका, ये इनके लिए वो वोट बैंक का विषय रहा है, ये परम पूज्य के लिए वोट बैंक का विषय नहीं है, बिल्कुल, इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। शर्मा जी क्या कहेंगे, सुना आपने अभय जी को, वोट बैंक की बात कर रहे हैं, जिस समय पूरे देश के अंदर हिंदुत्व की लो जल रही थी, जिस समय पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति के जेहन में हिंदुत्व की भावना का पदार्पण किया गया था, जब कांग्रेस के सांसद जो एक जमाने में 150-200 हुआ करते थे, वो उठकर के 42-44 और 52 पर आ गए, उस परिप्रेक्ष्य में भी हमने धार्मिक सहिष्णुता के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। हम उस समय भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को भाई मान के चले, एक ऐसा परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया जहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस को डैमेज करने के लिए AIMIM को सामने खड़ा कर दिया जाता था, क्या ही कांग्रेस को वोट बैंक को रोकने के लिए तरह तरह की बातें की जाती थी, उस परिप्रेक्ष्य में भी आज कांग्रेस के लीडरशिप, कांग्रेस का नेतृत्व तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेके चल रहा है। हम, मेरी बात नहीं है, हम कहीं पर भी राजनीतिक रूप से रोटी फेंकने की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जिस समय देश आजाद हुआ था तब भी धार्मिक सहिष्णुता की बात की थी, और हम आज भी धार्मिक सहिष्णुता पर कायम हैं, और हम ये स्पष्ट कह देते हैं कि धर्मांधता का चोला पहन करके देश में अलगाव जैसी भावनाएं पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपने 10 साल के विकास रूपी कुशासन बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, विकास रूपी कुशासन को देखते हुए अब धार्मिक सहिष्णुता का चोला पहन कर गए मुस्लिम भाइयों को प्रलोभित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह सत्यता नहीं है, कहीं ना कहीं वापस कह रहा हूं कि इनकी गाड़ी में तिनका है। शर्मा जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और निश्चित तौर पर लगातार उसका प्रचार भी जारी है, क्योंकि वो लगातार जब उनने शुरुआत की थी मध्य प्रदेश में भी 2 दिनों के लिए यात्रा जो पहुंचेगी, अभी कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी कह रहे थे कि जहां पर चुनाव वहां पर ठहराव काफ़ी कम है सर, तो अगर वाकई में अगर ऐसा है कि आप भारत जोड़ रहे हैं तो यहां पर भी तो वक्त बिताना चाहिए ना सर। आप देखिए मध्य प्रदेश में राहुल जी की यात्रा 2 दिन नहीं है, 16 दिन है, आप देखिए राजस्थान में राहुल जी की यात्रा 4 दिन नहीं है, 11 दिन है, आप पूरा एक बार शेड्यूल देखिए, और व्यक्ति अपने शेड्यूल से चल रहा है, 2 दिन में इतनी लंबी यात्रा तय नहीं हो सकती मध्य प्रदेश के अंदर, और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ठीक है बोलिए, कि जब जब यात्राएं हुई है तब तब राष्ट्रीय राजनीति के अंदर नेता शून्य से लेकर के शिखर तक उभर के आया है, क्योंकि वह जनता से जीवांत संपर्क के माध्यम से पूछा है, तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि राहुल जी की ये यात्रा राजनीतिक पहलू की तरह और व्यक्तिगत पहलू के रूप में ज्यादा है, ताकि जनता कांग्रेस की सच्चाइयां, मूलभूत सिद्धांत उनको समझे और उन्हें आत्मसात करे, और देश एक बार फिर कांग्रेस के साथ धार्मिक सहिष्णुता में लिप्त होकर के आगे की तरफ अग्रसर हो। जी राजेश जी, सुना आपने, शर्मा जी का ये कहना है कि जब यात्रा निकलती है तो शून्य से शिखर तक पहुंचने का सफर जो होता है वो आत्मसात होता है, लेकिन फिलहाल जो है सर, ये शिखर जो है वो कैसा शिखर होगा सर, अभी मैं हालांकि जानना नहीं चाहता हूँ, राजीव जी आप बखूबी वाकिफ हैं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हैं, अशोक गहलोत जी रेस में आगे चल रहे हैं, और हालांकि हो चुके हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या राहुल जी क्या PM होंगे, और शून्य से शिखर तक पहुँचने का इसको मायने क्या निकाले है, क्योंकि दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ सर, आज टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर। देखिए
तीन चीजें होती है किसी के सरकार में आने के लिए, हाँ। जो बेसिक चीज है, एक तो चीज होती है कनेक्ट, कनेक्ट कनेक्ट जो है आप पब्लिक कनेक्ट करेंगे उससे फिर कम्युनिकेशन करेंगे, हाँ। फिर आपके पास में कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, हाँ। आप जो है आप विकल्प के रूप में क्या लेके चल रहे हैं, प्रकल्प के रूप में क्या लेके चल रहे हैं, क्या आप भाजपा से बेहतर क्या करेंगे, आप भाजपा की आलोचना कर लीजिए लाख, भाजपा से हटके आप क्या कर सकते हैं, जब तक ये प्रकल्प आप प्रस्तुत नहीं करेंगे, विकल्प प्रस्तुत नहीं करेंगे, विकल्प बिल्कुल, तब तक आपका क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी, क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी तो फिर आपको वोट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वोट में कन्वर्शन नहीं होगा जी। तो ये चीजें तो बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन राहुल गांधी ने खुशी की बात है, हाँ। तो पदयात्रा शुरू कर दी और एक कनेक्ट अपना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया कांग्रेस, ठीक है, ठीक है, कनेक्ट तो खत्म हुआ था 10 साल, खास तौर से 8 से 13 के बीच में, 14 के बीच में, 9 से 14 के बीच में जो गड़बड़ी हुई थी वो उन्होंने। राजेश जी मैं रोकना चाहूंगा, एक पदयात्रा की बात हुई है, माफी चाहूंगा सर, एक चीज जरूर बोलना चाह रहा था मैं, बोलिए बोलिए, बिल्कुल मैं आपसे पूछ रहा था जी, बोलिए आप। जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हिंदुत्व की नहीं, कांग्रेस ने जब जब बंपर बहुमत बनाया है 1971 के बाद, हाँ, ठीक है, बनाया जबकि हिंदुत्व उनके साथ रहा है, ओके, हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी जी प्रचंड बहुमत से जिताया था, हिंदुत्व उनके साथ में सवार था, ठीक है। 1984 में जब इंदिरा जी की शहादत के बाद जब चुनाव हुआ था तो राजीव गांधी जी जो है पीएम बने, हिंदुत्व की हिंदुत्व के हाथी पे सवार होके जो है 400 के आंकड़े को उन्होंने पार किया था, ठीक है सर। और जैसे ही आपने हिंदुत्व से हटे, हाँ। कांग्रेस के वोट घटे, कांग्रेस की सीट घटी, और कांग्रेस ने सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, हाँ। कि कांग्रेस को अपने मूलपिंड पर लौटना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस का मूलपिंड था जिसमें दक्षिण पंथ भी को भी जगह थी, हाँ। जिसमें वाम पंथ को भी जगह थी, तो शुरुआत वैसी की ना, राहुल गांधी ने वैसी शुरुआत की, राजेश जी दक्षिण से शुरुआत की है राहुल गांधी, नहीं लेफ्ट आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, राइट आइडियोलॉजी, और जो ओके ओके तीनों तरह के लोग उसमें होते थे, मध्यमार्गी भी होते थे, ठीक है सर जी, और अब क्या है सारे छिटक गए, दक्षिणपंथी छिटक गए, मध्यमार्गी छिटक गए, अब केवल राहुल गांधी के आसपास केवल वामपंथी बचे हुए हैं, और यही समस्या है कि देश से वामपंथी खत्म हो रहा है, और कांग्रेस जो है वामपंथी के घोड़े पे सवार होके सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा राजेश जी, यात्राएं कितनी मायने रखती हैं, खास तौर पर सत्ता वापसी की मैं बात कर लूं, देखिए हाँ कई उदाहरण है सर, दिग्विजय जी ने, शिवराज जी ने निकाली यात्रा, और कई ऐसे नेता हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ सर जल्दी जी, बोलिए। पदयात्रा बहुत कठिन साधन होता, हाँ, है, बिल्कुल ठीक, पदयात्रा का एक इम्पैक्ट अलग होता है, बाकी ऐसे आप ट्रकों में रथों में जाके निकलते तो उससे भी होता है सर, ठीक है, लेकिन जो जो पदयात्रा का जो असर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक, और दिग्विजय सिंह जी ने जब नर्मदा यात्रा की थी तो उसका असर, बिल्कुल बिल्कुल, शिवराज जी ने भी की थी, चंद्रशेखर जी ने यात्रा की थी तो उसको भी असर हुआ, अच्छा जी, शिवराज जी भी पाँव पाँव वाले भैया कहलाते थे, बिल्कुल आज भी कहलाते हैं सर, वाले हो गए, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हो गए। चलिए मैं आखिरी अभय जी आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा आपसे सर, समय की कमी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, हम मुद्दे पर लौट रहे हैं बीच में, चीफ इमाम से संघ प्रमुख की मुलाकात, और उस वक्त पर जब राहुल गांधी जी पदयात्रा निकाल रहे हैं, उसके मायने कई निकाले जाएंगे सर, और आने वाले वक्त में खास तौर पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 से 13 महीने का वक्त, देखिए राहुल गांधी जी की यात्रा से कोई लेना देना है इन मुलाकातों का, सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो निकल कर आया है कि इमाम जी ने एलआईसी जी ने कहा है कि हम सबके लिए देश पहले है, हमारा डीएनए एक ही है, बस पूजा करने के तौर तरीके अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल, ये देश में जो नया संदेश जा रहा है, नए नए भारत की पहचान है, श्रेष्ठ भारत जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि मेरे बचपन के मित्र अब्बास रहे हैं जो उनके पिता खत्म हो गए, मेरे पिता उनको घर ले आए, मेरी माता ईद पर इनके लिए नए नए व्यंजन बनाती थी, तो ये एक प्रमाण है हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का, ये इसको बांटने का काम दूसरे दल करते रहे हैं, हम लोगों से नए भारत को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़े हो, जो आक्रांताओं ने जो चीजें हमारे ऊपर थोप दी थी उनका समापन किया है, हमारे किसी वर्ग से कभी लड़ाई नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि माननीय परम पूज्य जी ने कहा है और खुलकर कहा है, पेपरों में आया है कि अगर कोई हिंदू कहता है कि किसी मुसलमान को यहाँ नहीं रहना चाहिए तो वह हिंदू नहीं है,
ये परम पूज्य मोहन भागवत जी के ये जो है वक्तव्य है, इसलिए इसको इसका सबको स्वागत करना चाहिए। चले चले देखना होगा। बहरहाल हमारे पास समय की कमी है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी और पंकज शर्मा जी और अभय जी। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि मौका काफ़ी खास था और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक मुलाकात होती है और उसको लेकर सवाल कई खड़े होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात कर लें तो ये कितना असर डालेगा, एक बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर उठ रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में दाहिं जीएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।